तो बच्चे आज हम करते हैं अपनी व्याकरण के बारे में सारा, कि व्याकरण हमारी है क्या। आपका जो कल टेस्ट है, आपका जो आपका रिवीजन टेस्ट लेना है मुझे, उसमें आपका है कि होल व्याकरण प्लस खुशबू रचते हैं हाथ पाठ प्लस एक फूल की चाह दुख का अधिकार। मेरा ख्याल यही सिलेबस है आपका, तो उसी को रिवाइज करते हुए मैं आपको बता रही हूँ बच्चे। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रामर, होल ग्रामर, ठीक है। अब व्याकरण में आपके पास क्या क्या चीज है, ध्यान से देखिए। पहले है आपका शब्द और पद, बहुत बार हम इसे दोहरा चुके हैं, हमारा है शब्द और पद। बेटे जब वर्णों को मिलाया जाता है तो वो एक शब्द बन जाता है, मतलब अल्फाबेट्स को, वर्ण मीन्स अल्फाबेट्स, जब वर्णों को मिलाया जाता है तो शब्द बन जाता है। जब उसी शब्द को उठाकर हम व्याकरण के नियमों में लाकर वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाता है। अब ये डेफिनेशन आपके ऑप्शन में भी आ सकती है, ऑप्शनल में, कि शब्द पद कब बन जाता है, जब शब्द को व्याकरण के नियम लगा के वाक्य में बांध दिया जाता है तो वो पद बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है शब्द पद के बाद हमारा पद परिचय, इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो हम बचपन से बच्चे करते आ रहे हैं पद परिचय के नाम पे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, यही पांच पद परिचय हैं, ठीक है। यानी जो शब्द आपने यूज किया, जो अंडरलाइन किया है हमने शब्द, जो रेखांकित शब्द है, उसका हमें भेद बताना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, जो क्रिया विशेषण शब्द होता है वो अव्यय होता है, यानी उसका ना लिंग होता है ना पुल्लिंग होता है, बाकी सबके साथ लिंग पुल्लिंग लगेगा। जैसे मैं संज्ञा लिख रही हूं, सर्वनाम लिख रही हूं, विशेषण लिख रही हूं, क्रिया लिख रही हूं, इन सबके लिंग पुल्लिंग बताए जाएंगे, इन सबके लिंग पुल्लिंग बताए जाएंगे। जैसे वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, फटाफट विशेषण बदल गया, लड़की के साथ लड़के के साथ अच्छा, लड़की के साथ अच्छी, बदल गया। लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है ना, ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता, इसके आगे हम हमेशा लगाते हैं अव्यय, ये हमेशा अव्यय होता है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ओके। जैसे मैं कल आऊंगा, हम कल आएंगे, बच्चे कल आएंगे, अध्यापक कल आएंगे, यानी मैंने बच्चे लगाया, अध्यापक लगाया, हम लगाया, कल शब्द परिवर्तित नहीं हुआ, कल कल ही रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ हमें लिंग पुल्लिंग बताना होगा, एकवचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये हमें बताना होगा, इनके साथ अव्यय लिख देना होगा हमें, ठीक है। ये है पद परिचय जो हम बहुत बार कर चुके हैं, ओके। इसके बाद सेकंड चीज आती है हमारी वाक्य। अब वाक्य हमारे अर्थ के आधार पे हैं सिर्फ, ठीक है, और अर्थ के आधार पर वाक्य के बच्चे आठ भेद हैं, ओके। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो आठ भेद हैं वो हैं हमारे, सबसे पहले विधानवाचक, विधान, ठीक है, फिर निषेधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर विस्मय आदि। पहले तो ये पांच जो आप साधारण साधारणता आपको पता होते हैं, विधानवाचक मीन सिंपल सेंटेंस, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ कर चला जाऊंगा, सारे वाक्य विधानवाचक हैं। निषेधवाचक वाक्य नेगेटिव, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, फूल मत तोड़ो, ये सारे नेगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक आपको पता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सारे प्रश्न वाले, आप कब जाएंगे, क्या लाए हैं, सारे ही प्रश्न सूचक होंगे। विस्मय आदि, जिसमें हैरानी की बात हो रही है, संबोधन हो रहा है, ठीक है, हैरानी, गुस्सा, इस तरह के वाक्य। छी, आपने गंदा काम किया, अच्छा आप फूल तोड़ लाए, इस तरह के वाक्य विस्मय आदि वाक्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद चार के बाद चार और हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होती है,
ठीक है, उन चारों में पहला वाक्य तो हम लेंगे बच्चे आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक वाक्य जिसमें ऑर्डर किया जा रहा है, एक गिलास पानी लाओ, तुम वहां जाओ, जिसमें ऑर्डर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कृपया एक गिलास पानी लाइए, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, आज्ञा में दोनों चीजें हो सकती हैं, निवेदन भी हो सकता है और आदेश भी हो सकता है। आज्ञा के बाद है इच्छा। इच्छा, इच्छा होती है, मेरा दिल कर रहा है, मेरी इच्छा है आप अधिक नंबर लें, मेरी इच्छा है आप क्लास में प्रथम आए, मेरी इच्छा है सभी बच्चे अच्छे कार्य करें, ठीक है, ये है इच्छा। आप अच्छे अंक लें, आप अच्छे, जिसमें इसमें शुभ कामनाएं भी हो सकती हैं, ठीक है, इच्छा। भगवान आपकी आयु लंबी करे, मेरी इच्छा है कि आपकी आयु लंबी हो, ओके, इच्छा। इच्छा के बाद है संदेह और संकेत। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, संदेह मींस डाउट, शायद डाउट है, शायद आज कक्षा में सभी बच्चे आ जाएं, शायद आज कोई भी ना आए, शायद, ठीक है। और संकेत में इशारा देंगे, अगर सभी आएंगे तो ही मैं पढ़ा पाऊंगी, यदि आप समझना चाहेंगे तभी मैं समझा पाऊंगी, ठीक है, संकेत दिया जा रहा है, अगर बादल गरजेंगे तो बारिश होगी, संकेत, ओके, समझ आ गई बेटा। तो ये थे हमारे वाक्य अर्थ के आधार पर, इन्हें पहचानना होगा, इन्हें पहचानना होगा और सिर्फ पहचानना ही होगा। वो नहीं बेटे, संदेह में तो है शायद, डाउट है मुझे, वो तो इंटीमेशन दी जा रही है ना, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हाँ जी विनीत, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ विनीत। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मॉर्निंग बच्चे, क्या पूछ, गुड मॉर्निंग मैम, क्या पूछना, एक बार दोबारा बता दो, क्या बता दूं दोबारा, एक बार दोबारा बता दो। अच्छा मैम, शब्द पद में वेटिंग रूम में थी ना। हाँ हाँ, तो ओके 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 बेटे, तो पता लगा, शब्द पद भी देखिए बेटा दोबारा, शब्द है वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, पद है जब वही सार्थक समूह शब्द मतलब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाता है, ठीक है, शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वो पद बन जाता है। उसके बाद है पद परिचय, तो मैंने बताया पद परिचय हम करते आ रहे हैं ऑलरेडी, पद परिचय है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अब सबका लिंग पुलिंग होता है, सबका वचन होता है, संज्ञा शब्द है उसका वचन होता है, जैसे लड़का, लड़का चला गया, लड़के चले गए, बदल जाता है, ठीक है, लड़कियां चली गई, यानी उसका लिंग भी होता है वचन भी होता है, ऐसे ही सर्वनाम का लिंग भी होता है वचन भी होता है, साथ में देना होता है, विशेषण का भी लिंग भी होता है वचन भी होता है, क्रिया का भी लिंग होता है वचन होता है, ठीक है, और क्रिया विशेषण शब्द जो है वो अव्यय होते हैं हमेशा, ये मैंने पहले बताया। उसके बाद हम वाक्य कर रहे हैं अर्थ के आधार पर बेटे, विधान, निषेध, प्रश्न, विस्मय आदि, आज्ञा, इच्छा, संदेश, संकेत। विधान बिल्कुल साधारण वाक्य है, निषेध नेगेटिव है, प्रश्न इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, प्रश्न वाला वाक्य है, विस्मय आदि जिसमें हैरानी हो रही है, आज्ञा है ऑर्डर किया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, इच्छा वाचक मेरी इच्छा है, शुभकामनाएं दी जा सकती हैं इसमें, ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं दी गई, यानी मेरी इच्छा है आपका दिन मंगलमय हो, संदेह जिसमें डाउट है शायद ऐसा हो जाए, संकेत में हमें अल्टीमेटम दिया जा रहा है, ये हमेशा डबल सेंटेंस होता है, अगर आप ये करोगे तो ऐसा होगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चे जी। वाक्य के बाद हम आगे चल रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वाक्य के बाद वो है अनुस्वार अनुनासिक, अनुस्वार अनुनासिक। अब ये मैं आपको आगे भी बहुत बार करवा चुकी हूं, उस दिन भी आपको करवाया था, अनुनासिक, नासिक मीन्स नाक में बोले जाने वाले, और जहां नाक में बोले जाने वाले हैं वो चंद्र बिंदु हैं, चंद्र बिंदु हैं, और अनुस्वार में हमेशा
व्यंजन होगा, बिंदी होगी, ठीक है। चंद्र बिंदु हमेशा मात्राओं के साथ लगता है और अनुस्वार जो है इसमें व्यंजन होता है, आधा व्यंजन होता है, ठीक है। जैसे वर्ड है संबंध, अब ये अनुस्वार है या अनुनासिक है, हमें पता है ये अनुस्वार है, इसमें चंद्रबिंदु नहीं है कहीं भी, ठीक है, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, ये अनुस्वार शब्द है। अगर जानने के लिए ये अनुस्वार क्या है, स के ऊपर बिंदी है मींस ब की लाइन का आखिरी अक्षर होगा, ब के ऊपर बिंदी है मींस ध की लाइन का आखिरी अक्षर होगा, यानी जहां बिंदी है उससे अगले अक्षर की लाइन देखनी है हमें। जैसे लंबा शब्द है तो हमें ल के ऊपर बिंदी है तो लाइन कौन सी देखेंगे, ब की लाइन देखेंगे बेटे, लंबा। इसे हम दूसरे तरीके से लिखें तो इस तरह लिखा जाता है, ब की लाइन, प फ ब फ म, यहाँ पे म आधा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें लिखने नहीं आने, सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करने आने होंगे कि अनुस्वार है या अनुनासिक है, ठीक है, या फिर इसमें आ सकता है एक मानक रूप बताओ। अब मानक रूप क्या है, मानक रूप मींस जो आज माननीय है, जो आज चल रहा है, ठीक है। अब संबंध ऐसे लिखा हो या संबंध, या संबंध इस तरह लिखा हो, तो इन दोनों में से संबंध का मानक रूप कौन सा है, इन दोनों में से संबंध का मानक रूप ये है। हमने आज कंप्यूटराइज लैंग्वेज करके इजी वे आउट देख लिया, तो इजी वे आउट ये है, मानक रूप जो आज चलता है वो ये है, ठीक है जी, क्लियर हो गया मानक रूप भी, ठीक है। अनुस्वार अनुनासिक के बाद जो हमारा है वो है शब्द विचार। अब शब्द विचार आगे तीन हिस्सों में विभक्त है बेटा, तीन हिस्से हैं इसके। इसमें है एक पर्यायवाची शब्द, एक है इसमें विलोम, और एक है इसमें भिन्नार्थक। ठीक बच्चे, इसमें ये तीन चीजें हैं, ये वाली तीन चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। इनकी बहुत सीमित शब्द दिए हुए हैं हमने, आपको सीमित शब्द याद करने हैं, प्रायवाची के भी, विलोम के भी और भिन्नार्थक के भी। जितनी सीमा हमें बताई गई है, जितनी सीमा हमने निश्चित की है, वो सीमित शब्द करने हैं। लेकिन पहले हम ये तो जान ले प्रायवाची शब्द हैं क्या। प्रायवाची शब्द बेटा आप हैं, आपका नाम कुछ भी है, ए बी सी कुछ भी है, आपको माता जी किसी और नाम से पुकारते हैं, पिताजी लाड से किसी और नाम से पुकारते हैं, अध्यापकगण आपको और नाम से बुलाते हैं, आपके दादी माँ हो सकता है आपको किसी और नाम से बुलाएं। जैसे श्री कृष्ण, कृष्ण को कितने ही सारे नामों से बुलाया जाता है, कृष्ण को काना कहा जाता है, कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है, कृष्ण को कन्हैया कहा जाता है, कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, यानी कृष्ण के जितने शब्द मैंने बोले वो सारे पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही व्यक्ति को भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाए वो है पर्यायवाची शब्द। जैसे कोयल लिया मैंने, ठीक है, कोयल शब्द लिया, इसको बसंत दूत भी कहते हैं, इसको कोकिल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये उसके पर्यायवाची शब्द हो गए, ओके। अब हम आते हैं विलोम पे। विलोम का मतलब नहीं, पर्यायवाची के साथ चलो भिन्नार्थक लेते हैं पहले, विलोम से पहले भिन्नार्थक। अब भिन्नार्थक शब्द क्या है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, पर्यायवाची और भिन्नार्थक में फर्क क्या है। भिन्नार्थक है श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम का मतलब है, श्रुति मींस सुनना, जो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल ही अलग है, सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ बिल्कुल ही अलग। ये हमने निश्चित किए हुए हैं कितनों में से आना है, लेकिन इसका इसका मतलब ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से देखिए। जैसे वर्ड है अवलंब और अविलंब, अवलंब और अविलंब। अब देखिए सुनने में दोनों शब्द एक जैसे हैं, सिर्फ छोटी की मात्रा का फर्क है, अवलंब
और अविलंब, लेकिन दोनों में दिन रात का फर्क है, मीनिंग में हमें यही देखना है। ये श्रुति सम है, सुनने में सेम लग रहे हैं लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। जैसे दो शब्द हैं हरि और हरी, दोनों में दिन रात का फर्क है। कैसे, मैं बताती हूं आपको। अविलंब होता है सहारा, अविलंब होता है बिना देरी के। दोनों में दिन रात का फर्क है। अविलंब सहारा, किसी का सहारा बनो, यानी बच्चे अपने माता पिता का अविलंब है, ठीक है। मैंने अविलंब कार्य कर लिया, बिना देरी के काम कर लिया, ओके। ऐसे ही हरि और हरी, ये हरि है परमात्मा, रखो छुट्टी। हरि आप हरो जन की भीड़, यानी मीरा कह रही है आप दुनिया का दुख दूर करते हो परमात्मा, और ये हरि है ग्रीन कलर, ठीक है। श्रुति संभिनार्थक शब्द, यानी जो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दिन रात का फर्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आदि, आदि और आदि, दोनों शब्द ध्यान से देखिए। यह है आदि, मैं चाय पीने का आदि हो चुका हूं, मुझे आदत पड़ चुकी है आदि और आदि एटसेट्रा, ठीक है। आदि मींस एटसेट्रा, जैसे मैंने संज्ञा के उदाहरण दिए, आगे लिख दिया आदि एटसेट्रा। ये होते हैं श्रुति संभिनार्थक शब्द। मैं उम्मीद है मुझे कि मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सफल रही, ओके। अब है लास्ट इज विलोम। विलोम तो होता ही ऑपोजिट है, जैसे पाप का पुण्य, ठीक है, प्राचीन का प्राचीन का अर्वाचीन, मतलब चीन, ये भी राइमिंग होने चाहिए, प्राचीन अर्वाचीन, ठीक है। नवीन का प्राचीन, नवीन का भी प्राचीन, ठीक है। नूतन का पुरातन, यानी दोनों सेम सेम होने चाहिए, नूतन पुरातन, नवीन प्राचीन, ठीक है। विलोम शब्द भी हमने एक सीमा रेखा खींची हुई है, उतने ही शब्द आने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है उपसर्ग प्रत्यय व्याकरण में, ठीक है। अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? उपसर्ग मीन्स आगे लगना, प्रीफिक्स, प्रत्यय मीन्स पीछे लगना। अब एक ही शब्द के आगे लग के पीछे लग के कितना परिवर्तन कर देते हैं ये शब्द, हमें ये देखना है। देखिए, जैसे जैसे मैंने वर्ड लिया राष्ट्र, ये हो गया मूल शब्द। अब एक शब्द इसके आगे भी लगा दो, एक इसके पीछे भी लगा दो, ठीक है। तो मैंने आगे शब्द लगाया अंतर, पीछे लगाया ईय, ठीक है। इसके आ गया अंतर राष्ट्रीय, एक वर्ड बन गया अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। आगे लगने वाला उपसर्ग, पीछे लगने वाला प्रत्यय, जो मूल शब्द के आगे लगकर उसमें परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो मूल शब्द के पीछे लगकर उनमें परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। मूल शब्द हो गया सेंटर वाला शब्द। आपको कहा जाए मूल शब्द से उपसर्ग अलग कीजिए तो आप उपसर्ग अलग करके मूल शब्द लिख देंगे, आपको कहा जाए मूल शब्द से प्रत्यय अलग कीजिए तो आप प्रत्यय अलग कर दें। या फिर एक और तरीका है कि परा उपसर्ग लगाकर तीन शब्द बना दो, ठीक है। ये शब्द लगाकर तीन शब्द बना दो, प्रत्यय लगाकर तीन शब्द लगा दो। इस तरह दोनों तरह से उपसर्ग प्रत्यय आ सकते हैं, ठीक है। चाहे अलग करना आ जाए, चाहे उस शब्द को लगा के बनाना आ जाए। जो शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय। आपको इतनी सी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको दे रही हूं दो तीन शब्द, अगर आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का। जैसे दुर्व्यवहार, वर्ड है दुर्व्यवहार, देखिए वर्ड लिखा जाता है दुर व्यवहार,
हार। इसका उपसर्ग अलग करना हो तो क्या करेंगे, हम दुर शब्द अलग करेंगे, यानी ल को छोटा उ और र हलंत वाला, तभी र ऊपर गया ना बेटा, ठीक है। र के प्रयोग हमने तीनों किए हुए हैं, रेफ भी, पदेन भी और आधा भी, के पूरा र भी, सॉरी तीनों से तीनों रूप हमने किए हुए हैं। ओके, दुर्व्यवहार। आगे है पुनरुत्थान। अब इसमें क्या होगा, पुनः प्लस उत्थान, पुनरुत्थान। ऐसे ही आगे शब्द है, प्रत्यय अलग कीजिए, समझदार, समझ प्लस दार। और नेक्स्ट है सराहनीय, 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 सराहना प्लस ईय, सराहना प्लस ईय। ऐसे ही है मान प्रत्यय के योग से दो शब्द बनाए, मान प्रत्यय लगाकर, मान प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाए। और है मेरे पास परी उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाए, ये मैंने परी, परी उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाए, परिकल्पना, परिणाम, परिमान। ओके, फिर है, लिखते जाइए, बाद में आप कर लेना, पूर्वक और त्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए, पूर्वक और त्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए, पूर्वक और त्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए। अगला है आजीवन में से मूल शब्द और आजीवन शब्द में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। ठीक है बेटे जी, यहां तक तो हमारा हो गया। इसके बाद जो हमारा कल के सिलेबस के लिए कल का जो रह गया वो रह गया, एक फूल की चाह, खुशबू रचते हैं हाथ और दुख का अधिकार। तीनों लेसन ही बिल्कुल सरल हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको तीनों लेसन के बारे में शॉर्ट समरी बता सकती हूँ। एक बात और याद रखिएगा बेटे, कविता का प्रतिपाद्य लिखो, वर्ड देखिए, नोट डाउन दिस वर्ड, कविता का प्रतिपाद्य, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंट्रल आइडिया, यानी इस कविता में क्या बताया गया है, इस कविता में हमें क्या सिखाया गया है, ठीक है। कविता का प्रतिपाद्य लिखो मींस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस वर्ड को, इस टर्म को याद रखना है। एक प्रतिपाद्य आ सकता है, एक कविता की भाषा शैली आ सकती है। ठीक है, अब भाषा शैली में आप क्या क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, भाव, भाषा शैली, अलंकार। हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो ये सारी चीजें आनी चाहिए इसमें, ये चारों चीजें कवर होनी चाहिए। ठीक है, भाव मतलब कविता में बताया क्या गया है, भाषा सरल है भाषा, कठिन है भाषा, तत्सम शब्दों का प्रयोग है या खड़ी बोली का प्रयोग है, वो हमें बताना होगा। ठीक है, शैली मीन्स गाई जा सकती है या नहीं गाई जा सकती, तुकांत शब्दों का प्रयोग किया है या नहीं किया, अलंकार आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अलंकार कौन कौन से होते हैं। अलंकार हमने जो मेन किए हुए हैं वो दो अलंकार किए हुए हैं, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। मैं एक बार स्पेलिंग लिख देती हूँ आपको, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है जब एक ही व्यंजन बार बार यूज हो, ठीक है, और पुनरुक्ति अलंकार होता है जहां पूरा का पूरा शब्द दोबारा यूज हो, जैसे नया नया, पुरातन पुरातन, इस तरह। ठीक है बच्चे, ये अनुप्रास होता है जहां
जहाँ जैसे नहीं, माता पिता नहीं, माता पिता नहीं, जहां जैसे मन माना, म म से दोनों वर्ड स्टार्ट हैं, ठीक है, ये होता है अनुप्रास अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार होगा जहां पूरा का पूरा शब्द ही दोबारा प्रयोग में लाया गया है, उसे हम पुनरुक्ति अलंकार कहेंगे। ओके, इसके बाद कविता करवाने वाली थी, एक फूल की चाह में। एक फूल की चाह में बेटे, एक फूल की चाह किसको है? सुखिया को है, क्योंकि सुखिया, सुखिया का पिता उसकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता है और मंदिर चला जाता है, अछूत है। यानी एक फूल की चाह कविता में छूत अछूत समस्या पर निर्धारित है। एक अछूत अचानक सॉरी मंदिर में चला जाता है तो उसे पकड़ लिया जाता है, उसकी बेटी मरणासन्न है, मरने वाली है, पर वो अपनी बेटी की ना अंतिम इच्छा पूरी कर सकता है, ना ही अंत के समय में वो अपनी बेटी के पास होता है। जब वापस आता है तो उसकी बेटी मर चुकी होती है। इस कविता में बेटे मंदिर की सुंदरता का, भव्यता का वर्णन किया गया। मंदिर शैल शिखर के ऊपर है, मंदिर के अंदर का माहौल कैसा है, मंदिर के बाहर का माहौल कैसा है। फिर उसके बाद इसमें ये वर्णन किया गया है कि एक भक्त जो मंदिर में भक्ति गीत गा रहा है, वो ही एक अछूत के आ जाने पर कहता है कि मंदिर की सारी शुचिता नष्ट हो गई, पवित्रता नष्ट हो गई, ये बहुत ही बुरी बात है। वो कहता है, अछूत व्यक्ति कहता है, क्या मेरा अछूतपन इतना बड़ा है कि माता की चिरकालिक महिमा जो है वो कलंकित हो गई। ठीक है, यही इस कविता का सार है। आज मैं इतना ही बता पाऊंगी क्योंकि हम विस्तार में पहले इसे कर चुके हैं। फिर है खुशबू रचते हैं हाथ। ये भी एक समस्या ही है कि जो लोग हमारे लिए खुशबूदार धूप अगरबत्तियां बनाते हैं, वो खुद बेचारे बदबूदार गलियों में रहते हैं, किसी नाले के किनारे, बंद गलियों में, गंदी गलियों में, बदबूदार गलियों में रहते हैं। ठीक है, बताया गया है कि हमारे लिए अच्छा कार्य करने वाले, हमारे लिए खुशबूदार चीजें बनाने वाले खुद कितनी ही बदबूदार गलियों में रहते हैं, और उनके घरों के एक नहीं, दो नहीं, सभी लोग कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ कवि ने बताया है कि नोमल कोमल कोमल, नरम नरम हाथों वाले, यानी छोटे छोटे बच्चे, नव युवक, बूढ़े, रोगी, सभी इस कार्य में जुटे हुए हैं। यानी घर का हर बंदा, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बीमार है, जवान है, सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, और खुद समाज उनकी अवहेलना करता है, समाज उन्हें कुछ भी नहीं दे पाता बदले में, और वो खुद बहुत गंदे इलाके में रहते हैं। ये दोनों कविताएं हो गई। तीसरा हमारा पाठ है दुख का अधिकार। तो दुख का अधिकार पाठ में बेटे बताया गया है कि दुख करने के लिए भी क्या एक अधिकार चाहिए। दुख मनाने के लिए उसने बताया है कि एक औरत है जो खरबूजे बेचने आई हुई है, टांगों में सिर देके रो रही है। पूछना मत उससे, लेखक पूछना चाहता है कि आपको क्या हुआ, लेकिन क्योंकि लेखक के कपड़े बहुत साफ सुथरे पहने हुए हैं, वो फुटपाथ पर बैठ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जो हमारी वेश, लेखक ने बताया, हमारी वेशभूषा जो है हमें निम्न वर्ग के लोगों से बात करने में अड़चन बनती है। तो उसे देख सुनने पर वहां पता चलता है कि इस बुढ़िया का, बेचारी का जवान बेटा कल रात को मारा गया, जो कि खरबूजे तोड़ रहा था, तराई में एक सांप लेटा हुआ था, उस सांप ने उसे डस लिया और वह मारा गया। उस लड़के का नाम है भगवाना। ठीक है, तो बच्चे, वो बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों आ गई? क्योंकि घर में उसकी बहू बीमार पड़ी है, एकमात्र बेटा था जो मर गया। अब दो पोते पोते हैं जो कि भूख से बिलख रहे हैं, उनकी भूख को देखते हुए वो खरबूजे बेचने आ गई। अब गली मोहल्ले में सारे उसे क्या कहते हैं कि देखो, इन गरीबों का तो कोई दीन धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कल बेटा मरा, आज खरबूजे बेचने आ गई, इनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। तो लेखक को एक ऐसी स्त्री की याद आई जो कि संभ्रांत महिला थी, अच्छे घर की महिला थी, उसका भी बेटा मर गया था, उसे हर आधे घंटे बाद मूर्छा आती थी, उसके सिराने एक डॉक्टर बैठा हुआ था जो उसे बार बार उसका इलाज कर रहा था, लोग बैठकर उसे हवा दे रहे थे। तो लेखक ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या उसका दुख और उसके दुख में कोई अंतर है? उसका भी बेटा मरा, गरीब का भी, और इस सम्भ्रांत महिला का भी बेटा मरा, लेकिन दोनों के दुख में क्या अंतर है? तो अंत में लेखक ने ये बताया कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी एक सुविधा चाहिए,
एक अधिकार चाहिए, यानी पैसे वाला व्यक्ति शोक भी मना सकता है, दुख भी मना सकता है। हम गरीब व्यक्ति के दुख को दुख नहीं समझते। ठीक है बच्चे, ये था इस पाठ का सार। उम्मीद है आप पूरी तरह से तैयारी करेंगे और कल की कक्षा परीक्षा ढंग से देंगे।